नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से हमारे इस पावरफुल मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको चाणक्य के नीति के अनुसार बताएंगे कि सुबह उठते ही कौन से काम करने से लोग राजा से भिखारी बन जाते हैं और उनको बर्बाद होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। दोस्तों, जो व्यक्ति अपने जीवन में सुबह उठते ही इन कामों को करते हैं तो वो चाहे लाखों करोड़ों कोशिशें क्यों ना कर लें, एक सफल व्यक्ति कभी नहीं बन सकते। ऐसे लोगों का जीवन गरीबी और दरिद्रता में ही व्यतीत होता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कौन से हैं वो ऐसे खास काम। कहते हैं कि पति और पत्नी की जोड़ी 7 जन्मों की जोड़ी होती है, लेकिन आज के दौर में यह जोड़ी एक ही जन्म तक अच्छे से टिक जाए तो बहुत होता है। पति और पत्नी के बीच रिश्ते अच्छे होंगे या फिर बुरे होंगे, इसमें आपके आसपास की एनर्जी भी बड़ी भूमिका निभाती है। आपको हमेशा ही ये कोशिश करनी चाहिए कि आपके आसपास सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा अधिक हो और नकारात्मक ऊर्जा का नामो निशान भी ना हो। किसी भी दिन को सफल और सुखद बनाने में सुबह का समय बहुत मायने रखता है। चाणक्य के नीति के अनुसार यदि महिला सुबह उठकर अपने पति के साथ ही कुछ खास काम करती है तो आपके रिश्ते बहुत अधिक मधुर बनते हैं और आपका भाग्य भी चमकता है। तो दोस्तों, आप भी जानें ऐसे ही कार्यों के बारे में जिनको पति और पत्नी यदि साथ मिलकर करें तो निश्चित ही आपकी किस्मत चमक जाएगी और आपके रिश्तों में मजबूती भी आती है। दोस्तों, नंबर 1 है योगा। यदि सुबह सुबह पति और पत्नी मिलकर एक साथ योगा करते हैं तो उससे वो दिन भर फिट रहेंगे और उनका दिमाग भी शांत रहेगा और इससे सकारात्मक ऊर्जा भी उत्पन्न होती है, जिससे दंपत्ति के बीच लड़ाई झगड़े भी नहीं होंगे। इस कारण उन दोनों की दिनचर्या अच्छे से गुजर सकती है। और दोस्तों, नंबर 2 है यदि दिन की शुरुआत पति और पत्नी प्रेम के साथ करते हैं तो उनका मूड फ्रेश हो जाता है, दिन भर आपके अंदर उत्साह और जोश रहता है और इसके बाद आप अपने सभी कार्य अधिक ऊर्जा के साथ कर सकते हैं और इससे आपस में प्रेम और विश्वास भी बना रहता है। इसीलिए सुबह उठकर पति पत्नी को प्रेम अवश्य करना चाहिए और एक दूसरे का आलिंगन करना चाहिए। और दोस्तों, नंबर 3 है भगवान को नमन। सुबह सुबह भगवान का आशीर्वाद लेने से दिन की शुरुआत अच्छी होती है, ये आपके शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह भी करते हैं। इसीलिए पति के साथ पूजा करना या फिर हाथ जोड़कर प्रणाम कर लेना भी सबसे अच्छा माना जाता है। ऐसे घरों पर सदैव देवी लक्ष्मी की कृपा बरसती रहती है। और दोस्तों, नंबर 4 है तुलसी में जल। सुबह स्नान करके यदि पति और पत्नी साथ मिलकर तुलसी माता को जल देते हैं तो उनकी जोड़ी पूरे जीवन अच्छी बनी रहती है और अन्य लोग भी अपने लिए ऐसी ही जोड़ी की कामना भगवान से करने लगते हैं। ऐसे लोगों के वैवाहिक जीवन में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती है। और दोस्तों, नंबर 5 है पति और पत्नी यदि सुबह उठते ही लड़ाई झगड़ा करते हैं, आपस में प्रेम से नहीं रहते हैं तो ऐसे घर तबाहो बर्बाद हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, सुबह का समय पूजा पाठ का माना गया है और जिन घरों में सुबह उठते ही लड़ाई झगड़े होने लगते हैं तो ऐसे घरों में देवी लक्ष्मी कभी भी वास नहीं करती हैं, ऐसे घर बहुत जल्दी नरक बन जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, हो सके तो आप ऐसी गलती भूल कर भी नहीं करें, नहीं तो आप अपने जीवन में कभी भी कामयाबी हासिल नहीं कर पाएंगे। चाहे आप कितनी भी कोशिशें कर लें, आपके घर में लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता है। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो अभी कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे ज्ञानवर्धक और नॉलेजबल वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।